नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम रूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 19 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जो कि MRC और ओवरलैपिंग से संबंधित है। जैसा कि आप सबको बता चलें कि इस भर्ती में MRC और ओवरलैपिंग का मुद्दा दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है। और दोस्तों, हम आज MRC और ओवरलैपिंग के मुद्दे को स्पष्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँ कि यह वीडियो मेरा केवल सभी को जानकारी देना है। ये किसी विशेष जाति वर्ग के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। कभी इस वीडियो को कोई किसी जाति वर्ग से जोड़े ऐसा कुछ नहीं। केवल इसके संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि MRC या ओवरलैपिंग है क्या। कि दोस्तों, आप सभी को बता चलें कि ओवरलैपिंग है क्या। कि अगर किसी कैंडिडेट के नंबर जनरल की सीट के लिए, आप सबको जान पहले आप सभी को बता चलूँ कि हर भर्ती में SC OBC और जनरल के लिए कुछ आरक्षित पद होते हैं, जिसमें OBC के 27% होते हैं और SC के 21% होते हैं और SC के 2% होते हैं। इन्हीं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण होती है। आप सबको बता चलें कि हर भर्ती में 50% जो पद जो होते हैं वो आरक्षित वर्ग के लिए होते हैं। अब उसके ओवरलैपिंग आपको समझाता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट के हाईएस्ट नंबर जो है, अगर सपोज करो कोई स्टूडेंट SC या OBC का है, अगर वो जनरल की सीट तक पहुंचने के लिए वह नंबर गेन करता है, मतलब हाई स्कोर करता है, तो वह जनरल सीट पर पहुंच जाएगा। वह अपने जो उसका वर्ग होगा उसको छोड़ देगा और वह जनरल सीट पर अपना दावेदारी प्रस्तुत करेगा और वह अपने वर्ग से एक सीट खाली कर कर उसमें पहुंच जाएगा। तो वह अपने अपने एक वर्ग की सीट को बचा जाएगा। तो ये तो होता है आपका ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं वहीं MRC पर। दोस्तों, MRC जो होता है ये बहुत ही पॉपुलर मुद्दा है। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में MRC लागू कर दिया गया तो लगभग OBC का 62% और SC का 58% तक सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका OBC में 62% गुणांक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा और SC में जिसका 58% तक गुणांक गुणांक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया गई थी यूपीएससी की एग्ज़ाम से चालू की गई थी कि कुछ छात्रों का जो जनरल के छात्र थे उनका कहना था कि जो OBC और ST वाले होते हैं इनके कम नंबर होने के बावजूद भी इनको अच्छी रैंक मिल जाती थी। तो इसी के संदर्भ में वहाँ से MRC लागू किया गया। और आप सभी को बता चले कि जो MRC का जो उदाहरण आप देख सकते हैं कि 68,500 में आप देख सकते हैं, जिसका ऑर्डर अभी जल्दी मई में ही आया है। इसके एक उदाहरण के तौर पर चलते हैं। अगर आप सपोज करिए कि किसी स्टूडेंट के OBC का स्टूडेंट है एक कि उसके 75% उसके नंबर आते हैं, उसके जो नंबर आते हैं उसके 75% उसके नंबर आते हैं, अगर वह और वह एक जनरल की सीट को काटेगा क्योंकि 75 तक जनरल पे सिलेक्शन होता है, वह जनरल सीट को काट देगा। अगर वह MRC लागू होती है, अगर वह चाहेगा कि वह अपने होम डिस्ट्रिक्ट को पाना चाहता है तो वह पुनः MRC रूल के तहत अपने होम डिस्ट्रिक्ट को तो पा जाएगा, किंतु वह जनरल की सीट को एक जनरल सीट को वहाँ पर वह छोड़ देगा, मतलब जनरल सीट को वो फ्री कर देगा और वह पुनः अपने जो वर्ग जो OBC का जो वर्ग है उसी में आकर अपने एक सीट को भर देगा, जिससे जनरल वाले को एक सीट का फायदा होगा। तो ये था आपका MRC। और इसी का उदाहरण के आधार पर जो 68,500 की भर्ती हुई थी उसमें भी इसी तरह का हुआ था। जो हाईएस्ट नंबर वाले थे उनको जनरल में लेकर उनको दूर डाल दिया गया और जिनके एक डाउन नंबर थे, कम नंबर थे, उनको गृह जनपद मिल गया। और यह प्रक्रिया 69,000 शिक्षक भर्ती में MRC की लागू की गई है कि जिन स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क हैं उनको जनरल सीट ना देकर उन्हें अपनी कैटेगरी में सीट देकर उनको होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, जिससे जनरल सीट को एक फ़ायदा हो चुका है। अगर दोस्तों जनरल की सीट अगर अगर MRC लागू नहीं होता है तो इस भर्ती में कम से कम आप सभी को बता चलूँ कि जो आप जानते हैं कि जो इसकी जो फाइनल कट ऑफ निकली थी अभी 68,000 की, इसमें जनरल की जो थी 67.1 पर निकली थी और OBC की 66.3
सेवन पर निकली थी और एससी की 61.5 पर निकली थी। अगर दोस्तों आप सभी को बता चलें, अगर इसमें एमआरसी लागू कर दी जाए तो इसमें ओबीसी का सिलेक्शन कम से कम 62 गुणांक तक हो जाएगा और एससी का 57 और 58% तक गुणांक तक सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों किसी जाति वर्ग के लिए वीडियो नहीं, केवल यह एमआरसी और ओवरलैपिंग को समझाने के उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाई है कि अगर इसमें ओवरलैपिंग और अगर एमआरसी होती है तो एससी का 58 और ओबीसी का 62 पर सिलेक्शन होने के पूरी पूरी चांसेस में बन जाएंगे। दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भाई चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।